बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा है। किसकी कृपा है? हमारी कोई महिमा नहीं, हम तो मूर्ख आदमी आए, हम तो अनपढ़ आदमी आए, हम तो नालायक आदमी आए भैया। जो भी कृपा है बागेश्वर बालाजी के चरणन की कृपा है, हम तो उनके चरणन में बस प्रार्थना करके जाना ही। और धन्य है हनुमान जी, धन्य है कलयुग के राजा के भी मूर्ख की बात सुन लेते और कृपा कर देते। दूसरी बात, बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार विगत 3 पीढ़ियों से चल रहा। हमारे दादा गुरु जी जिनका चित्र लगा है वहाँ, वो भी दरबार लगाते थे ऐसे ही, बस अंतर इतना है कि पहले टीवी मोबाइल नहीं चलते थे, वो भी ऐसे ही बैठा करते थे हमारे सगे दादाजी। दादा गुरु के पहले भी एक और सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते, तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन भैया हरो कक्का हरो, हमने अपनी आँखन से देखो, 10 साल से तो हम सेवा में बैठे ही गए गुरु जी की कृपा से ही गद्दी पे, लेकिन हमने अपनी आँखन से देखो लाखों लोग रोते हुए आए, खाली झोली लेकर आए, पर बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भर कर लेकर गए। बोले बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। फिर जागती रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तुम नियम ना करो, तुम्हारे लो टेम हो ना, तुम एक दो बेर भर आओ, फिर काओ महाराज कछु नहीं भाओ ठटरी के भरे। कतोरे बब्बाजू घर के कक्का है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता, लहसुन प्याज बंद करना पड़ता, मंगलवार अथवा शनिवार की पेशी करनी पड़ती। एक बार में अर्जी न लगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और जौन दना पर्चा बन गयो या निगाह पड़ गई, ना भी पर्चा बने निगाह भर पड़ गई, सोई कल्याण हो जाता है। हाँ, ऐसा पावन दरबार दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है। इनके दरबार में अद्भुतता है भैया। पढ़े लिखे लोग मूर्ख ना बने, अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बन जाना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपके मन में प्रश्न क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं, और आपकी क्षमता नहीं है जो हमारे पर्चे में लग जाए लिख जाए। उससे उल्टा बोल लो, तुम वही बोलोगे जो बालाजी ने पर्चे में लिखवाया होगा। इसी पर तो बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने शोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है कलयुग में, आज के समय में कैसे हो सका। हमने कहा आ जा ठटरी ना बार दिए तक कहियो, तो बड़े बड़े चैनलों ने इसी पर शोध किया है। लेकिन धन्य है बागेश्वर बालाजी। बागेश्वर बालाजी विज्ञान का विषय नहीं है, ये तो ज्ञान का विषय है। आहा, हनुमान जी सबका भला करवें। तो अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बन जाना। पर प्रश्न आपके मन में आता होगा कि महाराज हम 10 बेर हो गए, आज लो पर्चा नहीं बनवा, हम आई तेरे ही होन चाहू, कबे बन है, जल्दी कोई उपाय बताओ। तो ना भी पर्चा बने तो मनहीन नहीं करना है, लहसुन प्याज बंद कर देना, मांस मंदरा बंद कर देना, शनिवार की अथवा मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देना, आपके रोग में संकट में व्याधि में पीड़ा में आराम लगने लगेगा, ये आशीर्वाद है। और भारत का पहला ऐसा दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है जहां अर्जी निशुल्क, जहां रुकना निशुल्क, जहां पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक भंडारा भी निशुल्क है। पहला ऐसा दरबार हमने इसलिए कहा, अर्जी रुकना भंडारा तो निशुल्क है ये है, पर ये वो दरबार है जहां पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोत्री हर वर्ष दान पेटी राशि चढ़ोत्री से हर वर्ष गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ऐसा पावन दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है, उसी में आप सब अर्जी लगाने बैठे। जल्दी ना हो तो एक बात बोल दें 2 मिनट की, बोलो बोल दें। सुनो, बागेश्वर धाम के दरबार में जो पधारे हैं, बात कड़वी है पर करोड़ों की, इसे गांठ बांध लें। आप दरबार में आए अर्जी प्राप्त कृपा प्राप्त करने,
अर्जी लगाना है, यहाँ विद्वान भी बैठे हैं, शायद किसी को बुरा लगे, खबर नहीं हमें, अगर बुरा भी लगे तो दास पहले से ही माफ़ी मांगता है। भगवान हम तुम सबसे निवेदन करना चाहेंगे, तुम सब हमारी आत्मा हो, बागेश्वर धाम की स्पीड से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब आखिर कब तक अर्जी लगाओगे, कब तक पर्चे बनवाओगे, कितने दिन तक तुम धक्का खाओगे, कितने दिन तक तुम धूप में बैठोगे, बैठने को जगह नहीं मिलेगी तो कितने दिन तक तुम लाइन में लगोगे, कितने दरबार नहीं तुमने बदले, कभी ये दरबार, कभी वो दरबार, कभी मुगदर वाला दरबार, तो कभी छड़ी वाला दरबार, तो कभी भभूति वाला दरबार, तो कभी पर्चा वाला दरबार, तो कभी चर्चा वाला दरबार, आखिर तुम कितने दरबारों में जाओगे। इतने दोगले हो गए कि तुम दो माह में तीन माह में दरबार बदल देते हो, दो तीन माह में भगवान बदल देते हो, आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे, आखिर कितनी अर्जी लगवाओगे, तुम्हारी पेट की पीड़ा ठीक नहीं होगी सिर की शुरू हो जाएगी, सिर की ठीक नहीं होगी घर की शुरू हो जाएगी, आखिर तुम कब तक ये हैरानी भोगोगे, क्या कभी आपने सोचा कि केवल पर्चा बनवा लिया तो अब पूरे जीवन की समस्या विराम हो गई? नहीं, ये बात कड़वी जरूर है, शायद किसी गुरु को इस बात से मिर्चा लगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा तुम माध्यम में पढ़ना बंद कर दो, तुम दरबारों में भटकना बंद कर दो, तुम केवल एक काम करो, उठो और उठ करके बालाजी के एक दिन शरण में जाना, और बालाजी की शरण में जाकर के उनकी तरफ देखकर आंखों में डबडबाई हुई आंसुओं से अपने अतीत को याद करके, अपने दुख को याद करके, अपनी पीड़ा को याद करके कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। हाँ, एक बात याद रखना, जन्म भर के लिए ये बात गांठ बांध लेना, फिर इसके बाद तुम किसी के मत होना, फिर तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम जहां रहोगे वहां तुम्हें दरबार होगा, तुम जहां जाओगे वहां दरबार होगा, तुम्हारे घर के बगल का मंदिर भी बागेश्वर धाम से ज्यादा पावरफुल होगा, तुम्हारे घर के राम भी जो घर पर तुम हनुमान जी बैठाए हो वो भी इस दरबार से ज्यादा चमत्कारी होंगे। आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे, कभी पुलिस के धक्के खाते, कभी तुम कार्यकर्ताओं की गालियां खाते, कभी तुम्हें भूखा रहना पड़ता, कभी तुम खर्च करके 10,000 खर्च करके उस दरबार जाते वो दरबार जाते, कितने गुरु नहीं तुमने बदल दिए, जितने कपड़े नहीं बदले उतने तुमने गुरु बदल दिए, तुम्हारा जमीर कब जागेगा, कब तुम सोए हुए जागोगे। ऐसे हम भी कभी किसी दरबार में आए थे, वो दरबार का नाम था बागेश्वर, हम भी तुम्हारी भांति यहां जोड़ करके गए थे, हम भी तुम्हारी भांति अर्जी लगाने गए थे, और हम जिस जगह पर बैठे इस जगह पर भी हमारे सामने कोई बैठा था, वो कोई और नहीं हमारा गुरु सदगुरु हमारा दादा गुरु बैठा था, हम भी तुम्हारी भांति इस दरबार में अर्जीकर्ता के रूप में गए थे, हम निज अनुभव बता रहे हैं, हम भी तुम्हारी भांति कुछ मांगने गए थे, अंतर इतना है कि तुम आए हो तुम्हारी समस्या क्या है, कुछ नहीं, तुम्हारी दो ही पीड़ा होगी, चार पीड़ाएं होगी, लड़की की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, रोग खत्म हो जाए, घर में बीमारियां ना रहे, कलेश शांत हो जाए, पति बात मानने लगे, पत्नी सुधर जाए, मकान बन जाए, धन की दिक्कत दूर हो जाए, यश कीर्ति बढ़ जाए, इससे ज्यादा तुम मांगते भी तो नहीं हो। कभी मौका मिले बुझदिलो, कभी मौका मिले तो तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंग बली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। साहब याद रखना, फिर तुम्हें मंगलवार को पेशी करने की जरूरत नहीं है, तुम बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल होगा।
तुम 2 बजे रात को भी जाओगे तो तुम्हारे लिए महाआरती होगी। मैं ये निवेदन, शायद आपको बुरा लगा होगा, हमें पता है तुम सुधरने वाले भी नहीं, लेकिन ये बात कोई बोल नहीं सकता। कौन अपनी दुकान बंद करवाना चाहेगा? लेकिन बुरा ना मानिए, हम दुकानदारों में से नहीं है, हम तो तुम्हारे भले की बात करने आए हैं। हमें भीड़ से मतलब नहीं है, हमें ना ये मतलब है कि हमारा दरबार सर्वश्रेष्ठ हो। मेरे बालाजी का दरबार सर्वश्रेष्ठ था, है और किसी के बाप में औकात नहीं कि इसे 2 नंबर पे कर दे। चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे वो सालासर बालाजी हो, चाहे बागेश्वर बालाजी हो, बालाजी तो बालाजी है, लेकिन हम तुम्हें जगाने आए हैं। कितने गुरु बदलोगे? कितने गुरुओं को तुम्हारा माथा छिलने लगा, तुम्हारा जमीर जवाब देने लगा, तो मैं भी कभी कभी लगता भगवान है भी कि नहीं है, भगवान सुनता कि नहीं सुनता। अरे दरअसल तुमने ट्रैक ही गलत पकड़ा, दरअसल तुम्हारी मति मारी गई, तुम इन गुरुओं के चक्कर में अपने आप को धो रहे हो। गुरु होना चाहिए, 3 परमात्मा है संसार के, माँ बाप और गुरु, लेकिन गुरु 10 नहीं, गुरु 1 होना चाहिए। गुरु गुरु है। हम भी किसी दरबार में गए थे जिसका नाम बागेश्वर था, हमारे सामने भी एक गुरु बैठा था जिसका नाम दादा गुरु है, अब वो गद्दी पर बैठा था, हम भी तुम्हारी भांति रोते हुए गए थे, लेकिन धन्य है गुरु, गुरु ने क्या किया, हमारे हाथ पकड़ा और बालाजी के चरणों में रख दिया, बोले जा इससे मांग ले, तुझे मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या हो गया, चमत्कार, गए थे अर्जी लगाने और लगाने लगे सबकी अर्जियां। गुरु होना चाहिए लेकिन एक, धाम होना चाहिए लेकिन एक, आज नहीं तो कल सुनेगा, परसों सुनेगा। ये तय है कि तुम्हें अगर बालाजी के धाम में आराम नहीं लगा तो कोई भूत प्रीत वाला ठीक नहीं कर सकता। मैं तुमसे ही पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश क्या डिस्ट्रिक्ट जज फैल कर सकती है? जवाब दो, सुप्रीम कोर्ट के जज का आदेश कोई साधारण जज मिटा सकता है क्या? जवाब दो। आपका जवाब होगा नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई साधारण जज नहीं मिटा सकता, तो फिर बागेश्वर बालाजी के दरबार का कोई आदेश या बालाजी की इच्छा का कोई आदेश कोई दूसरा ठीक कर दे? इसलिए हमें पता तुम बुजदिल हो, हमें पता है तुम दोगले भी हो, 4 दिन बाद फिर नया गुरु बदल लोगे। आजकल गुरुओं की भी बरमार, हम गुरुओं के विरोधी नहीं हैं, गुरुओं के पक्षधर हैं, लेकिन हम तुम्हारे विरोधी हैं, क्योंकि हम तुम्हें अपने से नहीं जोड़ना चाहते, हम तुम्हें बालाजी से जोड़ना चाहते हैं। जितने पागल तुम हीरो हीरोइन के लिए रहते हो, उससे आधा भी पागल अगर तुम माता पिता और गुरु के लिए होने लगोगे, उसी दिन दरबार में अर्जी लगने लगेगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जगो, आज ही प्रण लेकर के जाना इस दरबार से कि बस अब ये आखिरी है, बस अब ये लास्ट है, बस अब ये अंतिम है, इसके अलावा अब हम किसी को नहीं पकड़ेंगे। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, जो दरबार तुम्हें भारत का, जो धाम तुम्हें भारत का, जो भगवान तुम्हें भारत का ठीक लगे, बस सनातन के अलावा किसी को नहीं। सनातनीय भारतीय गुरु या परमात्मा, इनके चरण पकड़ लेना, कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। वरना तुम कितने दिन तक इंतजार करोगे पर्चे का, कितने पर्चे बनवाओगे? भभूति खा खा करके भी तुम्हारे पेट में गांठ पड़ने लगी होगी, कितनी भभूति खाओगे, कितने पर्चे बनवाओगे? अब तो जगो, कभी धाम जाना और बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम करना और कह देना जिंदगी भर के लिए आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बात जरूर करवी थी, लेकिन ये आपकी बात थी, ये बात सब नहीं बोल सकते, इसके लिए भी कोई ऐसा जिगर चाहिए मजबूत, क्योंकि हमारा ध्येय ना तो धन कमाना है,
हमारा ध्येय ना तो मठ मंदिर बढ़ाना है, हमारा ध्येय तो है जब तक इस चोले में प्राण रहबे तब तक सनातन के लिए प्राण रहबे। 2400 घंटे हम इसीलिए तो सोते नहीं, कम सोते 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, लेकिन हम कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते कि एक व्यक्ति को भी हम मिल लें, उसका भी दुख ठीक हो जाए, बस कल्याण हो गया, हमारा जागना सफल हो गया। और वही अपनी पुरानी बात बोले, हमारे जैसा गुरु अगर तुम लालटेन लेकर के भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। ये तो मौज की बात है, हंसी की बात है। खैर छोड़ो, तुम्हें कहाँ समझ में आनी हमारी बात है। शायद बुरा लगा होगा हमारी बातों का, और लगा भी हो तो तुम्हारे घर में हमें कड़ी खाने नहीं जाना है। हाँ, ना कटवाओ ना कटाहरा, क्या लेना देना, अपने राम तो आए हैं और गए, चल देंगे, किसी मोड़ पर फिर मिल लेंगे। लेकिन बस तुम्हें जगाने आए थे, जगाने का काम कर रहे हैं, अब दरबार लगाने आए हैं तो दरबार लगाने का काम करेंगे। हमें तो हनुमान जी ने सेवा दे रखी दरबार की, हम तो दरबार करेंगे। धाम पर जो भी जावे दो बातों का ध्यान रखें, एक, किसी भी व्यक्ति को अपनी परेशानी ना बताएं, और यहां दरबार में भी ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपकी समस्या बागेश्वर बालाजी अपने आप पर्चे पर लिखवा के रख देंगे। दूसरी बात ये कि बागेश्वर धाम पर किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या कहीं पर भी, केवल बागेश्वर धाम का बैंक के बैलेंस, बैंक अकाउंट का नंबर छोड़ के, HDFC का है, बाकी किसी भी व्यक्ति को आप कोई शुल्क फीस दक्षिणा ना दें, ना उस अकाउंट में भी डालें, बागेश्वर धाम पर किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाती है, ना मिलने की, ना दरबार की, ना टोकन की। और तुम दो सो हमें दे सकत, हम जात के बामों ना है, हम सब पचा ले भी। बामन को काम ही है, दान लेबो दान देबो, यज्ञ करावो यज्ञ करबो, वेद पढ़ना वेद पढ़ाना। तुम अपनो मकान प्लाट बंगला घोड़ा गाड़ी सोनो चांदी मंगल सूत्र कर धोनी और नाक की कील और पड़ोस अपने बैंस लेट और जंजीर लुगाई लड़का भर छोड़ कर सब हमारे नाम करवा सकत। हाओ हम सब पचाले भी, भाड़ में गो भंडारे में जो है सब्जी पूरी और दाल चावल खवाई चकाचक, जोन देना 2-4 करोड़ आ जाए, सो रबड़ी माल पूरा रसगुल्ला खवा भी घटे रामदास को, बड़े रामदास को, हमें कौन मूड पे बांध के ले जाने का है। बोलो बागेश्वर धाम की। और एक और है, बागेश्वर धाम पर प्रतिदिन निःशुल्क अन्नपूर्णा चलती है, तो धाम पर जाए तो अन्नपूर्णा में सेवा जरूर करें, धन की नहीं, तन की करो, मन की करो। बड़े आदमी हो तो आप भंडारा भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं है हम ले भी हनाई ना कर भी, जात के बामो ना। लेकिन दरबार के नाम पर किसी भी व्यक्ति को शुल्क फीस दक्षिणा का ना करें भैया, ना दें। दो हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हमारी टीम कमेटी से निवेदन है कि पंडाल की व्यवस्था बनाई जाए, भले ही वो हमें ना दिखे पर धूप में ना खड़े रहे, हमें बड़ा दुख हो रहा। एक और कल हमने संकल्प लिया, दाऊ साहब आज आए हैं, सायगढ़ की स्थिति, हम क्षमा मांगते हैं, कल हम उतर नहीं पाए, लेकिन हमें लग रहा था कि कुछ उपद्रव ना हो जाए, तो दाऊ साहब हम, लेकिन कुछ भी कहो, सायगढ़ में जो आपने सनातन का झंडा फहराने का काम किया, अद्भुत किया, अद्भुत। कल लगभग 1,00,000 लोग, 50,000 तो होंगे ही होंगे, रोडों पर 1,50,000 लोग राम नाम का जयकारा लगा रहे थे और बागेश्वर धाम का जयकारा लगा रहे थे। वो जो दाऊ साहब हैं सतेंद्र के पिताजी, उन्होंने अद्भुत काम, नाम भूल गए हम, रंजोर सिंह, हाँ, अद्भुत काम किया कल, अद्भुत लीला थी कल सायगढ़ में। तो हम कल जा नहीं पाए, लेकिन हमने अब संकल्प ले लो कि अब रैली और कलश यात्रा हमारे कारण किसी को दुख ना हो तो हम कम कर दिए हैं कल से ही, किसी को दुख ना हो। अब सीधा मंच पे आएंगे, कलश यात्रा और रैलियों में हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें कल एक माता जी, जब वो चपल गई हमें बड़ा दुख, वो भगदड़ मची, वो तो हनुमान जी की ऐसी कृपा के भी बच गई, उन्हें उठा लो, एक मोटो सो आदमी आ गो हनुमान जी बन के, भारी भीड़, हे भगवान, काल मोरी गाड़ी फीकी फीकी फिरती, बिना गैर के चलती। आओ जो स्क्रीन पर देखो,
जो काल साहेगढ़ को रंजोर दाऊ ने इतनी व्यवस्था की कि क्या कहना। देखो बालाजी का नजारा, बालाजी भी उन्होंने झांकी चलाई बालाजी की, आहा कल हनुमान ही हनुमान भक्त, ये कल का नजारा है। 1,00,000 लोगों की पागलन की फौज हती। इमें काल हम बताई थी ब्रेक लगाए थे और गेर और गाड़ी तुम भगत थी, हमें लगा तो कौन है ले जाने गाड़ी, कांच फोड़े आदमी। और अच्छा भारत बहुत विचित्र देश तो है, इत पे तुम खाली कमरा में एक बैनर टांग दियो कि अंदर झांकना मना है, आदमी होता ही झांके के हैं है का, जैसे कह दो ये महाराज है ना छुप जो, अब कछु महाराज है और कछु नो छुए से आदम न लगन लगत के इनके छुए में चमत्कार आए। वो तो जी हाँ बालाजी का सो मैं खुद हाथ धर दे, बुला के लो हाथ धर ले, गले लो लगा ले भैया, मूड़ पे लो बैठा ले हो मोड़ो का आ जा। लेकिन कक्का हरो दिक्कत इतनी है कि उसमें जो है मैं मुगदल ने रात मुगदल छुआ छूत से मैं बचत रात, सबको आदमी नाय माए से आउ जात रात नाय माए छुआ छूत में रात, इसे नोई में छुबत बाकी मोए को नोई में अछूत आदमी से छुबत नहीं हो। लेकिन मोरे लो बाई भाई रात जो बालाजी को जो हाँ तो बैठो लो अब दरबार शुरू हो, दो हाथ उठाओ बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की। बुरा तो नहीं लगो महाराज हर हमने आज तनक उल्टो कह दई। अच्छा लगो लो हो सो लो माल लइयो मैं उतरन चाहू तो भाई मंच से बाहर में गो बोलो बागेश्वर बालाजी की अन्नपूर्णा कन्या विवाह में आप सब जुड़ो, बागेश्वर धाम से जीवन भर कौन कौन जुड़बो चाह उठाओ हाथ, रोड बारे तुम्हारे उठाओ उठाओ रोड बारे ना दिखाओ बेटा, ते होता कैमरा कहीं नहीं ले जाता बीच में हो ले जाए एक कैमरा रोड बारे बेचारे कम से कम बेबी आ जाए टीवी में सारा ना साजो लगे अपनी अपनी लुगाइयाँ लंगारे दिखाएं आपके देख मैं टीवी में आ गो आओ ले जा तोरे कक्का को का अलग ने आओ पैसा तो अजीत हन को पूरी मंडल को अलग रहो तो सागर बहन को कहे तोरो अलग रहो देखा बोलो बागेश्वर धाम की।